सभी मेरे भाई को राम राम और जो हिंद और वंदे मातरम है। मेरा नाम काजी देवेंद्र है और मैं एक LIC एजेंट हूँ और LIC के इस फील्ड में उतना मुझे 3 साल ज़्यादा हो जाएंगे। मैं कोशिश करता हूँ उन सभी भाइयों को और उन सभी जो व्यूवर है मेरे और उन सभी कस्टमर को मैं अच्छे से अच्छे गाइड करूँ। जो भी प्लान उनको समझाऊँ मैं 100% गारंटी के साथ समझाता हूँ। कुछ भी डाउट को भी सवाल होता है तो मैं 100% उनका सपोर्ट करता हूँ। उनके जो भी डाउट होते हैं वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आज फिर एक मुझे एक कमेंट आया मेरे बहुत से जो व्यूवर है उनका कि भाई जो निवेश प्लान है इसके बारे में बताओ, निवेश प्लस प्लान जो आपका टेबल नंबर है 849 है इसके बारे में बताओ। तो आज मैं नया वीडियो लेके आया हूँ, वो आपका जो निवेश प्लस प्लान है 849 नंबर टेबल नंबर है, ये प्लान कैसे वर्क करता है, क्या क्या बेनिफिट है और इसको LIC का सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न वाला प्लान क्यों कहा जाता है, इसमें कितना परसेंटेज होता है, वो सब आपको इसमें बताने वाले हैं। पर इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल बता दूं इस प्लान को लेने से पहले इसमें हाई रिटर्न क्यों है। एक नॉर्मल एक एग्जांपल लेकर चलें, यदि आपने 5 लाख का कोई बीमा किया है, 5 लाख का आपने इंश्योरेंस लिया है, 5 लाख का आपने बीमा लिया है, 5 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, इसके बाद में यदि 25 साल का आपने टाइम लिया है, टर्म यानी 25 साल लिया है, तो इसका जो पेमेंट कितना होगा आप सोच भी नहीं सकते। इतना 1,44,00,000 रुपये यानी एक बहुत ही बड़ी रकम हो जाएगी यदि आपने 25 साल भी इस प्लान में इन्वेस्ट किया। आप छोटा अमाउंट भी ले सकते हो, कितना तक होता है सब चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से समझाऊंगा। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल बताया है क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ को इस प्लान के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं इस प्लान को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, कौन कौन लोग ले सकते हैं, इसमें क्यों इतना ज़्यादा फ़ायदा है और इसमें कोई रिस्क वगैरह ज़्यादा तो नहीं है, कोई नुकसान तो नहीं है हमारा, क्या क्या प्रोसेस है वो सब हम इस वीडियो में समझाएंगे। और आम जो लोग इस प्लान के लिए सोच रहे हैं कि भाई इसको लेना है, कैसे लेना है, क्या प्रोसेस है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। कोशिश मेरा ये रहेगा कि आपको 100% देने की और इस प्लान को एक्सप्लेन 100% करूँ, क्योंकि बहुत से जो आपके डाउट हो सकते हैं उन सभी डाउटों को मैंने नोट किए हैं और बताए हैं मैंने, तो आपको इस वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताता है ये प्लान कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है, कितना ज़्यादा हाई रिटर्न मिलता है और कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं और लेंगे तो इस प्लान को कैसे लेंगे, वो सब चीज़ इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ओके भाई लोगों, आज जो आपका नया प्लान लेके आया हूँ वो आपका LIC का जो निवेश प्लस प्लान है जो आपका टेबल नंबर है 849, ये जो ऑलरेडी जो आपके शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट होता है ये प्लान नॉर्मली आपको ये अकाउंट हो, ठीक है। अब ये प्लान के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न ग्रोथ फंड में मिलता है, 15% तक इसमें हाई रिटर्न मिलता है, ठीक है। अब इसमें पेमेंट कैसे करना होता है, तो पेमेंट आपको वन टाइम भी कर सकते हो इसमें, यदि आप वन टाइम नहीं करना चाहते हो और दूसरे जो मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली जैसे करना चाहते हो तो वो भी इसमें ऑप्शन होते हैं, ठीक है। वो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि भाई आपको एक टाइम ही देना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मंथली SIP भी करा सकते हो, जो आपका मंथली में SIP में आपका जो हो जाएगा मंथली है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली, ईयरली, ये मोड भी आप चूज़ कर सकते हो। चलो ये भी आपको मैंने सिंपली तरीके से समझा दिया। अब इसमें जो भी है, जब भी जो LIC का जो एक शेयर मार्केट का नाम आता है ना, जो शेयर मार्केट, तो बहुत से बंदों के दिमाग में ये चलता है कि हमारा जो पैसा है डूब नहीं जाएगा। तो एक नॉर्मल एक एग्जांपल बता दूं मेरे भाई, क्योंकि उन लोगों का डूबता है जिनको जो 6 महीने 1 साल एक्सपीरियंस होता है और वो पैसा लगा लेते हैं शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट के नाम से जो बदनाम हो जाते हैं। पर मैं आपको बता दूँ इसमें आपका जो पैसा लगता है वो 20 साल 30 साल या 40 साल का जो एक्सपीरियंस वाले जो लोग होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। उनको 40 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है तभी वो इस फील्ड में अपना जो पैसा लगाते हैं। आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिक्योर ऐप्स है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इतना आपका नुकसान नहीं होता है क्योंकि इसमें इतने एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे होते हैं। चलो अब इसके प्लान कैसे वर्क करता है वो आपको ओके भाई लोगों, अब जो आपको तरीका बताऊंगा ना बहुत ही आसान है। अब इसमें जो देखो LIC में इसे जो निवेश प्लस प्लान में 4 फंड होते हैं, जो बॉन्ड फंड हो गया, बैलेंस फंड हो गया और इसमें जो सिक्योर फंड और ग्रोथ फंड। ग्रोथ फंड में हाईएस्ट रिटर्न मिलता है जो आपका 15% होता है, ठीक है। दूसरों में भी होता है, वो क्या क्या होता है, कितना परसेंटेज होता है वो आपको बताऊँगा इसमें। चलो अब आपको ये तो चीज़ समझ गए हैं कि भाई जो इसमें ग्रोथ फंड में सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न होता है। और अब जो आपका डाउट होगा कि भाई हमने ग्रोथ फंड थोड़े टाइम के लिए लिया, उसके बाद में यदि चेंजेस करना चाहें जैसे जो सिक्योर फंड बैलेंस फंड में जाना चाहें तो हो सकता है क्या, तो 1 साल में आप 4 बार अपने शिफ्ट हो सकते हो इसमें से प्लान में से उसमें, इसमें से इसमें, वो आपको करना क्या है वो आपको बताऊँगा। क्योंकि इसमें जो 5 साल के बाद में एक लॉक इन पीरियड होता है, जैसे जो अपना विड्रॉल करना है, कोई भी आपने पैसा लगाया है 10 लाख 15 लाख, तो वो पैसा आप लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है, 5 साल के बाद में आप इस पैसे को वापस निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें जो वही है जो ग्रेस पीरियड होता है, जैसे जो मंथली में आप 15 दिन का होता है उसमें अदर जो भी हैं 30 दिन के, तो वो 30 दिन के आपको मिलेंगे, क्वार्टरली जो आप ये लिए हैं उनमें 30 दिन के मिलेंगे। और एक सरेंडर करना चाहो, इस पॉलिसी को आप बंद करना चाहते हो, तो इसमें 5 साल के बाद में लॉक इन पीरियड होने के बाद यानी 36 साल लगते हैं आप इसमें कर सकते हो।
टैक्स बिल्कुल फ्री होता है क्योंकि अंडर आपके 80 CC की आता है। और इस प्लान को हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में आपको समझाएंगे कि इस प्लान में कितना आपको फंड मिलता है। चलो एक नॉर्मली आपको बताऊं तो बैलेंस फंड में आपका जो 8% होता है, सिक्योर्ड फंड में 10 होता है, और आपका बैलेंस फंड होता है जो अपना वो बैलेंस में 12%, और अपना ग्रोथ फंड में हाईएस्ट रिटर्न होता है 15% इसका। ठीक है, ये आपको बता दिया। जैसे जैसे ये 15% बढ़ते जा रहे हैं ना, इनमें रिस्क भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है। अब एग्जांपल लेके चलेंगे हम, एक एज है किसी बंदे की, ठीक है, जो 28 साल का है, और टर्म हम दोनों तीन लेंगे, जो अपना 15 है और जो अपना 10, 15, 20, 25, और इन्वेस्टमेंट हम करने वाले हैं, पैसा इसमें लगाने वाले हैं 1 लाख, वो भी एक साथ। चलो अब इस प्लान को समझाएंगे हम आपको, बहुत ही आसान, बहुत ही इसी तरीके से बताऊंगा इस प्लान को कैसे वर्क करना है। ठीक है, ये प्लान हमने ले लिया, अभी दोनों आपको प्लान लेनी है, और अलग अलग इसमें जो टेबल देख सकते हो आप, टेबल के हिसाब से हम चल रहे हैं। जैसे जैसे इसका जो बढ़ता जा रहा है ना, जैसे 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 आप देखो नीचे देखते जाओगे ना, इनकी जो एज बढ़ती जा रही है, उसका जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जा रहा है, और आपका जो ये है कवर भी बहुत अच्छा बढ़ता जा रहा है। अब हम दोनों सिंपली आपको बताऊं तो 10 साल का हम लेने वाले प्लान और 15 साल का लेंगे। अब इसके बाद में आगे का प्रोसेस बताएंगे कितना रिटर्न मिल रहा है। सिंपल तरीके से जैसे आप नीचे आओगे ना इस प्लान में देखोगे तो पैसा है जो हमेशा बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा, वो रिस्क भी हमारा बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगी। ये लॉक एंड पीरियड होता है 5 साल का, उसमें आप पैसा नहीं निकाल सकते, इसके बाद में यदि आप निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट हमने जो किया गया 1 लाख का, और यदि हमने 15 साल बाद दिया तो 7 लाख रुपये इसमें हाई रेट मिलने वाला है, और 10 साल वाले इस प्लान में हमने लिया है तो इसमें जो आपको कोई 3,50,000 के आसपास आपको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक है, अब आपको दूसरा जो एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम, एक है जो आगे का जो हमारा प्लान है जो 20 का है, 20 साल इसके साथ में 25 साल का हम लेके चलेंगे, और इन्वेस्टमेंट हम वही करेंगे, वो 1 लाख का ही रहेगा। चलो अब इस प्लान को समझाएंगे हम आपको सिंपल तरीके से। अब जैसे जैसे इसमें जो अपनी एज बढ़ती जा रही है वो पैसा भी हमारा बढ़ता जाएगा। सिंपल तरीके मैं आपको बताऊं तो इसमें देखो दोनों में जो पैसा है डबल होता गया है, कम नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा हाई रहा है और बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। इसमें हमने 20 साल का लिया एक प्लान और एक 25 साल का लिया है, सिंपल तरीके से ये आपको समझाने के लिए। चलो अब ये आपके आगे का प्रोसेस बताता है इसमें कितना रिटर्न मिल रहा है। मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया कि भाई जितना आपकी एज बढ़ती जा रही है ना उस पैसा बढ़ता जा रहा है, 25 साल में आपको 28 लाख रुपये मिलेंगे और दूसरे में वो 14 लाख के आसपास मिल रहे हैं। अब दूसरा जो प्लान हम लेके चलेंगे, थोड़ा इन्वेस्टमेंट हम ज़्यादा करेंगे, देखो एग्जाम्पल वही रहेगा, एज भी हमारी वही रहेगी, पर इन्वेस्टमेंट हम 5 लाख का करने वाला है। चलो अब हम वही लेंगे, 10-15 साल लेंगे, उसके बाद में 20 और 25 साल लेंगे। चलो ये प्लान को शुरुआत करते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं कि हाई रिटर्न में मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है, अब 5 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है भाई, और इस इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने 10 और 15 साल का ये प्लान लेंगे। चलो ये प्लान हमने चूज कर दिया और ले लिया। अब देखो जैसे जैसे इसकी जो एज बढ़ रही है ना, यानी 15 साल 10 साल ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ये जो इसमें रिटर्न भी हाई रिटर्न मिल रहा है। एक सिंपल तरीके से बताऊं तो ये 10 साल का हमने जो प्लान लिया है इसमें देखना और 15 साल के प्लान में देखना कि रिटर्न कितना बढ़ा है। रिटर्न इतना ज़्यादा बढ़ा है भाई कि जो आप सोच भी नहीं सकते। देखो इसमें जैसे जैसे आपके जो बाय चांस कुछ भी होता है, आपके जो लॉक इन पीरियड के बाद में कुछ भी होती है, डेथ वगैरह, तो उसका पैसा हमेशा बढ़ता जाएगा। यानी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख 20 लाख, इसी प्रकार हम नेक्स्ट जो अपना जो ईयर लेने वाले हैं वो 20 और 25 लिए हैं, और अब इसमें देखना कि इसमें कितना हाई रिटर्न मिला है। देखो जैसे जैसे जो इसकी एज बढ़ी है पैसा भी हमेशा बढ़ता गया है, कम नहीं हुआ है। चलो अब इसमें देखो पेमेंट जो 25 साल वाले में देखना आप इस पर कितना मिला है, वो 1,44,00,000 रुपए के आसपास, और 20 वाले में देखना आप, 20 ईयर का हमने प्लान लिया है, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट किया है, इसमें हमें कुछ मिल रहा है 71 लाख रुपए के आसपास। तो आप सोच सकते हो भाई कि ये प्लान कितना अच्छा है और ये प्लान इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। तो इसमें ज़्यादा हाई रिटर्न मिल रहा है, हाई कवरेज मिल रहा है भाई, और ये ग्रोथ फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसलिए इतना ज़्यादा हाई रिटर्न मिल रहा है। चलो ये प्लान को समझ दिया आप, इसमें एलिजिबिलिटी कौन है और इस पर कौन कौन इस प्लान को ले सकते हैं इसके बारे में बात कर पहले। अब इस प्लान को कौन कौन ले सकते हैं वो बताऊंगा। देखो एज इसमें जो मिनिमम आपके 0 साल से आप 70 साल तक वो ले सकते हो। टर्म इसमें जो आपके 10 से 25 साल का हो सकता है। इन्वेस्टमेंट आपका जो 1 लाख से ऊपर का हो सकता है, इसमें कम नहीं होगा, 1 लाख से ऊपर। रिक्स वगैरह अलग अलग बेनिफिट है, मैंने आपको समझा दिए हैं, बहुत ही आसान है भाई। जो भी प्लान इस प्लान को लेना चाहता है, इंटरेस्टेड है, तो संपर्क आप मेरे से कर सकते हो। मैं LIC के इस फील्ड में 3 साल ज़्यादा हो गया हूँ और मैं अच्छे से परफॉर्मेंस करता हूँ, अच्छे से काम कर रहा हूँ, तो आपका भी 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका भी मैं जो पॉलिसी है कर दूँगा। बिलीव करो, विश्वास करो, ट्रस्ट करो, और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहे हैं।
तो भाई लोग जो भी मेरे जो इस प्लान को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं और मेरे से खुद लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हो मेरे से, मेरे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं आप इस पर संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर है इस पर मैसेज करना, मैं आपका जो पर्सनल नंबर है खुद मेरे पर्सनल नंबर है वो आपको भेज दूंगा, और यदि आपको बिलीव नहीं हो विश्वास नहीं हो तो मेरा खुद आइडेंटिटी जो कार्ड है वो आप ही ले लेना, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देखो ये जो भी कस्टमर हैं उन सभी के मैंने कस्टमर के फॉरम भरे हुए हैं LIC के, ये सब और इतने सारे जो फॉरम भरे हुए हैं ये सब फॉरम मैंने जो अपने खुद हाथों से भरे हैं और मैंने खुद से भरे हैं, और मेरे जो बहुत से क्लाइंट हैं बहुत से जो अपने दोस्त हैं उनसे भी हम कनेक्टेड होते रहते हैं और बहुत से की हमने पॉलिसी की है ऑनलाइन, तो आप भी इंटरेस्टेड हो बिल्कुल इस चीज़ से भरोसा हो विश्वास हो कि भाई मेरा हो जाएगा कंप्लीट, तो आप इसमें मेरे से संपर्क कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहे हैं, आपको मैं खुद अपना आइडेंटिटी भेज दूंगा यदि आपको डाउट हो सवाल हो कुछ तो, ठीक है। मेरे खुद पर्सनल नंबर भी आप ले सकते हो यदि आप चाहते हो कि मेरे कोई डाउट है सवाल है तो, ठीक है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हो, अभी संपर्क को मैसेज करो, और प्लान के बारे में कोई डिटेल आपको चाहिए तो आप संपर्क करके मुझे अभी कभी नोट कर देना। चलो इस वीडियो की बंद करते हैं, तो सो गाइस मिलते हैं कभी और नई वीडियो के साथ में। आई होप कि ये वीडियो पसंद आए, पसंद वीडियो लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना गाइस, और अपने भाइयों के साथ जरूर शेयर करना इस प्लान के बारे में, क्योंकि उनको भी इस प्लान की जरूरत हो सकती है, तो प्लीज़ उन भाइयों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता है नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।